बड़े बड़े चांद जमीन खा गई, लेकिन कायनात की आंख ने एक ही जनाजा ऐसा देखा है। जो अपनी मिसाल आप जख्मों की कबाह हो के गुलाबों की रिदा हो, वो रंग मिले सल्ले अला जिस पे लिखा हो, मट्टी को उजालों के हुनर तू ने सिखाए। ये हम सारे मट्टी हैं ना जी, और सानू चमकन की जाच जिंदा रहने का तरीका बाबा जी दस गए। जख्मों की कबाह हो कि गुलाबों की रिदा हो, वो रंग मिले सल्ले आला जिस पे लिखा हो, मट्टी को उजालों के हुनर तू ने सिखाए, तू हमसे बिछड़ जाए तो हर समत खला हो। आंधी के सफर में जो कोई तुझको पुकारे, सूरज से ज्यादा तेरा नक्शे कफे पा हो, बुझ जाऊं अगर पैराहने इश्क को बदलू। केड़ी गल है, परसे जेला हथकड़ियां ऐसे डाटे वेखे हुए ने। फलां इलाका भी डर दून, फलां इलाका भी डर दून, फलां इलाका भी डर दून, मुख्तलिफ इलाका जात को 16 फरवरी से पहले पहले रेड जोन बनाया जा रहा है। भैया आपको क्या परेशानी है? हुकूमत आपके हाथ में है, बंदूक आपके हाथ में है, आपको का आखिर परेशानी क्या है? हमारे हाथ में तो डंडा भी नहीं, बल्कि हमारे हाथ में तस्बीह भी नहीं। यह तो सब बड़े चढ़ती छड़ छड़ी होगी ना। ना हमारे हाथ में तस्बीह है, ना हमारे हाथ में डंडा है, ना हमारे हाथ में कलाशनकोफ है। आपके पास सारा असला है, आपको आखिर परेशानी क्या है? मुख्तलिफ इलाका जात को रेड जोन क्यों बना रहे हो? हमारे लिए तो कायनात में एक ही इलाका रेड जोन है, और वो मदीने की बारगाह है। रस्मी गल नहीं, इज्जत रसूल का मसला है। पिंड कोई मसला बन जाए तो असि अक्सर पंचायत बैठ के तुम कहते डेरा बनने लगे, उत्थे आंदे जनाब मुद्दईयां का मुतालबा ठीक है कि अज तो बाद मुंडा पिंड च नहीं आएगा। भाई गल एक साल गुजर गया, यह कि गल है कि मुंडा पिंड च नहीं आएगा, वह पिंड चो ना आए ये ना की फर्क पैगा? भाई गैरत का तकाजा है पिंड ना आए, गैरत का तकाजा है। गल भावे 100 साल पुरानी हो जाए ना, तो सफीर तो कटना ही पैना।